आप लोग क्या देख रहे हो यार, जाके वीडियो देखो। बहुत मेहनत की है, ठीक है, और मैं एंजॉय करता हूँ ये पपीता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम योर होस्ट मायंक, एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू अनबॉक्स दिस प्रोडक्ट व्हिच आई गॉट फ्रॉम लूम सोलर। सो थैंक्स लूम सोलर फॉर सेंडिंग मी दिस प्रोडक्ट, एंड लेट मी शो यू 1 मिनट। This is the product which I got from Loom Solar, and this company is based in Faridabad, Haryana, India. So today we will be taking a look and we'll be going to unbox this product. So hope you will enjoy this video, and if you are new then hit the subscribe button down there and also press the bell icon to get all the notifications from WeTrack directly on mobile phones. And till then enjoy the video. ओके गाइस, सो मैं छत पे आ गया हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हो कि एक सोलर पैनल है, तो इसको छत पे अनबॉक्सिंग करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो बहुत ही यार क्लाउडी वेदर है और धूप भी बहुत ज़्यादा है यार। सो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, और प्लीज़ बने रहिएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये परचेज़ करना चाहिए कि नहीं, और इसके फीचर्स के बारे में आपको बताऊँगा विदाउट। ओके गाइस, सो मैं नीचे आ गया हूँ। एक्चुअली ऊपर बहुत धूप है, सो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा होगा। ये प्रोडक्ट है सोलर पैनल, और इस कंपनी का नाम है लूम सोलर, ठीक है, आपको दिखाया था मैं। लूम सोलर कंपनी है, और ये है इसका सीरियल नंबर, ठीक है। इस सीरियल नंबर से आप इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और कंपनी भी यही आपकी वारंटी के लिए इस सीरियल नंबर का यूज करेगी, ठीक है। तो ये है पूरा सोलर पैनल, और इसका कैपेसिटी है 10 वॉट और 12 वोल्ट पावर ये आउटपुट देगा ये, ठीक है। सो और इसका जो मटेरियल इसमें यूज किया है वो है पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इसमें यूज किया है। दो टाइप के मटेरियल्स आते हैं, एक होता है मोनोक्रिस्टलिन और दूसरा है पॉलीक्रिस्टलिन। जो मोनोक्रिस्टलिन वाला है वो इससे ज्यादा सुपीरियर होता है, ज्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है। अगर आपका बजट हाई है तो आप उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट लो है और आप जनरल पर्पस के लिए कोई सोलर पैनल लेना चाहते हैं तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी है लूम सोलर, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 10 वॉट से लेके 340 वॉट तक के सोलर पैनल्स बनाती है ये, ठीक है। और लूम सोलर कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है 100 मेगावाट सोलर एनुअली। सो आपको इसके पीछे का दिखाया था हमें टूर, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन। सो आप पॉज करके देख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक नेगेटिव पॉइंट एक पॉजिटिव पॉइंट। ये एक सॉकेट दिया हुआ है, जो सोलर पैनल आगे है उसका पूरा कनेक्शन यहाँ पे आके निकलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा होगा, अगर तो आप देख पा रहे होगे ओपन यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो ओपन वाला आपको दे रहा है शटर, आपको इसको पुश करना है नीचे। तो पुश किया हमने इसको और ये ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओपन हो चुका है, आप देख पा रहे होगे। इसको एक रेड केबल लेना, उसको यहाँ लगाना, ब्लैक केबल यहाँ लगाना, ठीक है। और उसको आप किसी भी अडेप्टर या फिर कनेक्टर में डाल दो, जहाँ से आप यूएसबी के थ्रू कोई भी डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो। बेसिकली ये जो सोलर पैनल है ये आपके 7000 mAh के बैटरी को चार्ज कर सकता है, और आप मान लो कि एक लैपटॉप को ही चार्ज कर सकता है। और जो मैंने इसके रिव्यूज पढ़े उसके अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट 2 डेज लेता है फॉर चार्जिंग 7000 mAh बैटरी। इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 750 रुपीज, और ये वेरी करता रहता है ऑलमोस्ट 750 से 1000 रुपीज तक। सो अगर आपको इसको परचेज करना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप अमेजोन का लिंक है वहाँ होगा वहाँ पे, और एक loomsolar.com पे आप जाके इसे परचेज कर सकते हो। सो दैट इट फॉर दिस प्रोडक्ट। और इसका एप्लीकेशन है कि अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो, कैंपिंग में जा रहे हो, तो आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हो, क्योंकि ये ओनली 1 पॉइंट कुछ kg का है। और बात कर लेते हैं वारंटी की इसकी, तो आपको इसके साथ एक मैनुअल मिलेगा, ये वारंटी मैनुअल, ठीक है। आपको इसमें 25 इयर्स की वारंटी मिलती है, लेकिन एक बात जो बहुत लोग नहीं बता रहे हैं, 25 इयर्स की आपको इसमें परफॉर्मेंस की वारंटी मिलेगी, और 5 इयर्स की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वारंटी मिलेगी।
मतलब अगर इस पीस को कोई डैमेज होता है तो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। और अगर अंदर के जो सिलिकॉन चिप्स हैं उसमें कोई डैमेज है और उससे आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, आपका बैटरी जल्दी चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको 25 ईयर्स की वारंटी मिल रही है। ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छा है। और ये लूम सोलर वेबसाइट है, एक्चुअली इनकी एक वेबसाइट खुद की है, ई कॉमर्स साइट जैसा है। यहाँ पे आप जाके कोई भी कंपनी के, मोस्टली इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के, टाटा का सोलर पैनल है इनके पास, बहुत सारी कंपनीज के सोलर पैनल, ल्यूमिनस का है, बहुत सारी कंपनीज का है, ये लोग बेचते भी हैं, लाइक ई कॉमर्स साइट है इनका, तो आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो। और इनका खुद का जो ये पैनल है वो भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, सो ये है 10W 12V मोबाइल सोलर पैनल, और इसका आप यूज कर सकते हो वाईफाई हॉटस्पॉट्स में, और इसको आप यूज कर सकते हो स्ट्रीट लाइट्स में, ट्रैफिक सिग्नल्स में, और कैंपिंग में। अगर आपके पास कोई ऐसा शॉप है जो आप गाड़ियों के ऊपर ही शॉप्स होते हैं, तो आप इनको उनके छतों पे लगा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रोडक्ट। ओके गाइस, सो आई एम बैक, छत से नीचे आ चुके हैं और पूरा आपको मैंने बता दिया इस प्रोडक्ट के बारे में ओवरव्यू। सो अब आप लोग जानना चाहेंगे कि आपको ये परचेज करना चाहिए या नहीं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं जिनको सिर्फ एक मोबाइल चार्ज करना है या फिर एक टेबल फैन चार्ज करना है, तो ये 10W का सोलर पैनल आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, फॉर लाइटर यूज, फॉर चार्जिंग ऑफ मोबाइल फोन एंड ऑल, यू कैन यूज दिस सोलर पैनल। ठीक है, और अगर आप गांव में या फिर ग्रामीण में हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत शॉर्टेज होती है, तो उस जगह पे आप इस सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हो। अगर आप शहर में हो तो मोस्टली आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मोदी के राज में लाइट तो हर जगह है ही, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। एंड दूसरा केस है कि ये है पॉलीक्रिस्टलाइन। ठीक है, अगर आपको इससे ज़्यादा इफेक्टिव और परफॉर्मेंस हाई चाहिए तो आप मोनोक्रिस्टलाइन वाले सोलर पैनल्स हैं वो भी आप परचेस कर सकते हो। उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहेगी लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, और आपको अगर और वो उसका एक और फायदा है कि वो क्लाउडी वेदर में भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और ये क्लाउडी वेदर में उतना एफिशिएंट नहीं काम करता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ यू डोंट एंजॉयड देन यू कैन hit the dislike button as well. Till then, happy watching. Jai Hind.